बच्चा को सुलाओगे? गाइस बहुत ज्यादा गर्म है तो बच्चे को ये सुलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। कोई बात नहीं, सुला दीजिए। अरे कोई बात नहीं, सुला दीजिए सुला दीजिए, मैं काम भी करते रहूंगी, बच्चे को देखना भी हो जाए। अच्छा, रोशनी से छोटा है। हाँ। कितना प्यारा स्माइल दे रहा है, देखो देखो देखो, तुमको नींदू आ रहा है। आंटी के घर में तुम सो सकते हो। हाँ, सो जाओ सो जाओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरा फिर से न्यू ब्लॉग में। आज जब मैं सुबह उठी तो ठेकेदार भैया बोले, दीदी आपका मीटर में पानी चले गया है तराई करते करते, क्योंकि हमारा तो परमानेंट मीटर है नहीं, टेम्पररी मीटर है, तो उस खंभे पे है। तो मुझे अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा बनाने के लिए। और मेरा गाड़ी भी पंचर हो गया रात में, मुझे अभी पता चला। ये देखिए, यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा मुझे दुकान तक लेके जाने में, तो मैं पंचर वाले को बोली हूँ, भैया आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लीजिए पर आके बना दीजिए, अगर वो नहीं आएगा तो मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं, पहले इलेक्ट्रिशियन को बुलवाती हूँ, बिजली बनवाती हूँ, रोशनी भी बहुत परेशान कर रही है। गाइस इलेक्ट्रिशियन को फोन कर दी हूँ, इलेक्ट्रिशियन आने वाला है, तब तक मैं राखी को करेला दे देती हूँ। बहुत कड़ू है करेला, मैं नहीं बनाऊंगी, पिछले बार बनाई थी तो सब्जी इतना कड़ू हो गया था, हम लोग खा नहीं खाए, तो मैं नहीं बनाऊंगी, एक्स्ट्रा रखा हुआ था, मैं दे देती हूँ। बोल दे, तुम किससे पूछा हमारा बॉल लेके तुम अपने घर क्यों आए? हाँ, नहीं नहीं, देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, नहीं दीदी के लिए नहीं, ये मेरा बॉल है, मैं बॉल लेके जाऊंगी, दो मेरा बॉल नहीं दे रहा। गाइस मुझे पंचर बनाने के लिए जाना पड़ रहा है, तो थोड़ी देर मैं लेके जाऊंगी, थोड़ा देर सोनू लेके जाएगा। इतने ही दिन में मेरी हालत खराब हो गई है गाइस, रोड नहीं है इस वजह से कोई यहाँ जल्दी आने नहीं मांगता है, और आते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है, तो मेरा तो सांस फूलने लगा है, मुझे नहीं लगता कि मैं गाड़ी लेके आगे तक जा पाऊँगी। देखते हैं, इतना दूर ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो देखते हैं जहाँ तक जाता है, चाहे टायर ख़राब हो चाहे ट्यूब खराब हो, चेस तो करना है, गाड़ी तो बनाना पड़ेगा, तो हम कहीं जा भी नहीं पाएंगे बाहर। तो ठीक है गाइस, मैं नहीं जा रही हूँ, सोनू लेके जा रहा है। गाइस देखा आपने, मैं तो जा नहीं सकी, थोड़ा ही दूर अगर मैं गाड़ी को लेके गई तो मुझे चक्कर आने लग गया, और बहुत तेज़ धूप है, तो सोनू लेके गाड़ी चले गया है, मैं जा रही हूँ घर। गाइस थोड़ा वेट करती हूँ जब तक वो नहीं आ जाता, गाड़ी नहीं रहता तो कोई काम भी नहीं होता है, और अगर कोई पंचर उंचर हो जाए या कुछ दिक्कत हो जाए तो परेशानी है कि यहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक उसको लेके जाना पड़ जाता है, बहुत दिक्कत होता है, और कभी कभी तो कोई आता भी नहीं है इमरजेंसी में, जैसे बिजली के लिए मुझे फ़ोन की हूँ, आ रहे हैं तो ठीक है, ना तो उसके लिए भी मुझे गर्म में बैठना पड़ेगा। तो गाइस मैं चलती हूँ। क्या कर रहे हो? हाँ, बच्चा को सुलाओगे? गाइस बहुत ज़्यादा गर्म है तो बच्चे को ये सुलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। कोई बात नहीं, सुला दीजिए। अरे कोई बात नहीं, सुला दीजिए सुला दीजिए, मैं काम भी करते रहूँगी, बच्चे को देखना भी हो जाएगा। ये आपका भतीजा है? हाँ, गाइस छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, क्या नाम है? नाम नहीं रखे अभी तक, रखे निशोती है ना, रोशनी अभी बहुत परेशान कर रही थी, फिर उसकी माँ उसको लेके गई है गर्मी के चलते। अच्छा, अच्छा। नहीं है, रोशनी से छोटा है। हाँ। कितना प्यारा स्माइल दे रहा है, देखो देखो देखो, तुमको नींदू आ रहा है, आंटी के घर में तुम सो सकते हो। हाँ, सो जाओ सो जाओ। देखो गाइस मैं इसका शूट कर रही हूँ, तो इसे बहुत अच्छा लग रहा है बात करते, और ये मुस्कुराने लगा। ठीक है आप सुला दीजिए, देखते रहिएगा बीच बीच में, हाँ कीड़ा मकोड़ा, मैं जब तक देखूंगी तो ध्यान दूंगी, लेकिन आप भी देखिएगा, यहाँ जंगल है ना, जंगल है, कुछ भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं गाइस, देखो ठीक है, निकाल के ठीक कर लीजिए, बच्चों से सुना, तखत तखत ऊपर में एक है, ऊपर छत मैं बोली, वो तखत को ठीक करके आप लोग ऐसे यहाँ सामने पोर्च में रख देने से ना, मतलब वैसे ही हाँ, बच्चों को सुलाने के लिए हो जाता, आप लोग जब तक काम हम करते हो, ऊपर में एक तखत है, उसको थोड़ा सा खीला ठोक देने से वो ठीक हो जाएगा, है ना, तो रोशनी और ये बाबू सो जाएगा। बाबू, बच्चे का नाम मुझे पता चल गया, क्या बोलिए आप?
अभियांश नाम है, तो बाबू का नाम अभियांश है, उसका नाम रोशनी। तो गाइस मैं चलती हूँ, जो भी मेरे से कुछ काम हो रहा है मैं करती हूँ, तब तक बच्चे को खेलने देते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता, छोटे छोटे बच्चे हैं कहीं और पड़े रहते, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं बोलती हूँ आप लोग अगर काम करते हो तो मेरे घर में पोर्च में सुला के क्या उनका काम भी हो जाता है और देखना भी हो जाता है। गाइस मेरे से जितना हो सकता मैं हेल्प करती हूँ। और रबिया अच्छा, सैंडल हटा दो बच्चे के पास से, सैंडल हटा दो शिवानी, हाँ ऐसे नहीं रखते हैं, सैंडल हटा दो। गाइस छोटे छोटे बच्चे हैं, बोलते हैं दीदी आपके पोर्च में सुलाएंगे, तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बहुत तरस आता। मैं इनके लिए कुछ कर तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे से जो भी होता है मैं कर देती हूँ। काम चलता है तो एक नज़र साइड में काम चल रहा देखना भी हो जाता है, और बच्चे यहाँ सामने रहेंगे तो वो एक नज़र देखते भी रहेंगे। गाइस मुझे बहुत बुरा लगता है कि मतलब इनके साथ ऐसा होता है। मतलब मैंने बोला कि मेरे पास एक तकनीक है ऊपर में, आप लेके उसको रिपेयरिंग करा लीजिए और बाहर में रख दीजिएगा, और जो भी छोटे बच्चे हैं वो लोग उसमें सो सकते हैं, खेल सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप उनको ले जाओ। तो गाइस ये देखिए, हाँ तुम देख रहे हो गाइस, मैं बात कर रही हूँ तो बाबू मुझे देख के पड़ा है, तो उसको अच्छा लग रहा है, शायद फ्लैश जा रहा है इसके आँख पे, तो अच्छा लग रहा है, कुछ लाइट वाइट जल रहा है। देखते हैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाए हैं बाबू, है ना, बिजली आ जाएगा तो तुम अंदर सो जाना, ठीक है। लाइट रहता गाइस तो मैं यहाँ पोर्च का पंखा चालू कर देती, लेकिन बिजली है नहीं, बताइए आपको, ये लोग तरई करते समय मेरे मीटर में पानी डाल दिए है, तो बहुत परेशानी हो रहा। बाबू कल खुशी हो रही, बाबू तुम खेलो, हाँ हवा आ रहा है ना, अच्छा हवा आ रहा है ना, तुम खेलो। सैंडल किसका, तुम्हारा, वो सैंडल को खुशी पहनी थी, कोई बात नहीं है, तोड़ी तो नहीं ना। आज तुम नहीं आई सुबह मुझे उठाने के लिए। गाइस तो याना स्कूल से आ गई है, कैश का है ना ऑप्शन, ओला में आई है, गाड़ी खराब है ना तो ओला में आई है, साइकिल भी खराब है, गाड़ी भी खराब है, आ जाओ अंदर आ जाओ, पेमेंट कर दो उनको, सब खराब है, काम नहीं हो पा रहा है। बज रहा है 4:30, तो मैंने ओला बुक करा दिया, क्योंकि गाड़ी बना के आते ही 2:30 बज चुका था यहाँ आते आते। बैग इधर दे दो, हाँ बोलो क्या हुआ, चलो कचड़े जलाने जाना है, जाओगी कचड़े जलाने जाएंगे वहाँ पे, चलो कचड़ा वाला आया नहीं है ना, जाओगी मेरे साथ, अरे वो आता है कचड़ा वाला, घर के पीछे फेंकने से बदबू आ रहा है ज्यादा, हफ्ते में एक बार आ रहा है, पता ही नहीं चलता है, हफ्ते एक हफ्ते का कचड़ा कितना होता है नहीं पता है क्या, तो एक हफ्ते में एक दिन आ रहा है, उसके लिए मैं क्या बोरी में भर के रखूं कचड़ा। उस तरफ जाना, कचड़े को जला देते हम लोग, दम कर देती हूँ, घर के पीछे पीछे बदबू आ रहा है। कचड़ा वाला कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, अरे हफ्ते में एक दिन आता, वो लेता कहाँ है, पीछे फेंकने से बदबू आ रहा है, अरे एक हफ्ते का कचड़ा एक बोरी नहीं हो जाएगा, तो उसको सुनाओ ना भाई अभी भी आए, हम क्या सुनाऊंगी उसको, जब सब घर में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ले आएगा, ऑटोमेटिकली क्या, तब पैसा तो लेगा ना, तब भी मैं उसको बोलूंगी ना, अभी बोल के क्या मतलब, वो आता है चले जाता, बोलता गड्ढा है, रास्ता ठीक नहीं है, ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि धान का खेती है बोल के, और तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे ईटा रखा हुआ था, तो हम लोग को खड़े होने का जगह मिल गया, बहुत पानी भरा हुआ है, चप्पल जो के जूते के स्टैंड में जो दो पेपर है ना उसको लेके आओ, जल नहीं रहा था, मैं भूल गया, लेके आओ, चलो लगा हुआ, देख कैसा करती, मेरे पास जादू आता है ना, मेरे को देख, आती क्या खंडा ला पियो और फेंको, बुझा दी ना, तो उससे मेरा क्या फायदा, ये भी हंस रही है, नानी ऐसे क्या चुवाओ, ये चुवानी है, लगती है नानी जूस के दुकान में, पीती है पानी, नहीं मैं नहीं मानता, अरे आर यू रेडी, आगे लाता है,
कचड़ा फेंकी हूँ ना। पानी आ रहा है, नल चालू है क्या? शिवा मत जाओ, अकेला मत जाओ, आ जाओ। चीटी है मम्मा, चीटी चीटी। अच्छा लग रही है, मैं थक गई इसलिए बैठी हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। वहाँ से आई हूँ, बहुत देर से काम कर रही, काम कर कर थक गई हूँ, आज आराम नहीं करने मिला। तुम ना सुनी सोए बस है, ये सारा क्रेडिट इन बच्चों को जाता है गाइस, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाने के बाद मैं इनको भूल जाऊंगी गाइस, मेरा ब्लॉग चले ना चले पर मैं कोई भी बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, मेरे से जो होगा मैं इनके लिए मदद करूंगी। और बेटा इधर देख के बोलो, बेटा इधर देख के बोलो। अच्छी नहीं। आंटी कैसी है? अच्छा है। कौन है आंटी? तय है। मैं अच्छी हूँ ना, हमेशा खेलती हूँ ना आपके साथ। हाँ हाथ हाथ नहीं धोते, जो साफ पानी से मैं धुला दूंगी। चलो चले, नहीं धुला है, चलो हम घर में जा। तो गाइस सुबह से लेके शाम कैसे हो गया पता ही नहीं चला, आज काम बहुत ज्यादा हो गया। गाड़ी तो बन गया, बेटी भी स्कूल से आ गई है, आज थोड़ा थक गई, आज मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, घर में ही रहूंगी, काम काम में ही सारा दिन निकल गया। तो गाइस आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वैसे भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी जनता है मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं गाइस, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस मैं आप लोग को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, मेरे 80 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बहुत खुशी लग रहा है गाइस, और 20 हो जाएंगे तो मेरा 100 हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सेलिब्रेट करूँगी बच्चों के साथ। थैंक यू गाइस मेरा ब्लॉग देखने के लिए, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। Bye.